डियर एस्पेरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी को पता भी है, आप में पैनिक भी है कि GSECL की एग्ज़ाम डेट आई है और जिस दिन उसका एग्ज़ाम है उसी दिन पहले से शेड्यूल था GPSC का AE एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर का। और मोस्टली मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो कॉमन होने वाले हैं, जो दोनों एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो दोनों एग्ज़ाम की। अब बिल्कुल मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल डिसाइड करते हैं वो कौन से नशे में होते हैं, कहां होते हैं। एक ही स्टेट में दो गवर्नमेंट जॉब के लिए सेम डेट पे एग्ज़ाम होना, इसका लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उम्मीद किया जाता है कि ये चीज़ें गलती से हुई होंगी और जैसे ही उनको ये पता चलेगा वो इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, या हो सकता है इन प्रोसेस और रेक्टिफिकेशन के, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेल किया है और हमारा पहला स्टेप भी यही है। आप लोगों को मेल करना है, जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें एक ईमेल आईडी दिया गया है और किसी स्टूडेंट में आप में से ही किसी ने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर भी किया है क्या लिखना है, बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, तो वो आपको कॉपी पेस्ट करके मेल कर देना है। ट्वीट भी हम लोग करेंगे, ट्विटर पे भी उनको इन्फॉर्म करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती से हुआ होगा, जैसे उनको पता चलेगा कि ये डेट क्लैश हो रही है वो डेट को चेंज कर देंगे। अगर उन्होंने ये जानबूझ के किया है, उनको पता है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आपको साथ होना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से आपका कटता रहेगा। हम लोग चलेंगे गांधीनगर, जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उनके जो मिनिस्टर हैं कानू भाई देसाई, दूसरी जो उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ममता वर्मा। ममता वर्मा तो IAS हैं, वो तो पढ़ी लिखी हैं, उनको तो समझ में आएगी कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है। और जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी, दोनों लोगों को बताया जाएगा कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले चेक कर ले कि किस किस डेट को शेड्यूल्ड है ऑलरेडी एग्ज़ाम, उसके हिसाब से अपना एग्ज़ाम देखे। फिर भी उन्होंने चेक नहीं किया है, अब चेंज भी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वहाँ तक कंप्लेन जाएगी तो ये लोग चेंज कर देंगे। बट हाँ, इसके लिए आप में से काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे फिजिकली होना पड़ेगा। अगर मेल से ट्विटर से काम नहीं चलता है तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, ताकि उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो कि चेंज करना चाहिए इसको, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जब तक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, दो चार लोग जाके दोगे तो शायद वो नहीं मानेंगे। दो तरीका होता है इस टाइप की चीज़ें करने का, या तो एक लेटर लिखा जाए जिसपे काफ़ी सारे आप में से जितने लोग फिजिबल, मतलब जो भी शाइन कर सकते हैं वो लोग उस पर शाइन करें। दूसरा तरीका होता है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे हंगामा नहीं करना है, जाके मिलना है और उनको ये समझ में आए कि ये कंसर्न केवल एक दो बच्चे का नहीं है, जितने भी बच्चे एग्जाम में अपियर होने वाले हैं सबका यही कंसर्न है, तो इसको पोस्टपोन होना चाहिए। तो पहला स्टेप हम लोग पहले करते हैं, एक या दो दिन का वेट करते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की नोटिस आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो हम लोग प्लान करके चलेंगे मिनिस्ट्री में। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो CMO ऑफिस में भी बात करेंगे। डेफिनेटली किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना ही चाहिए, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है कि सेम टाइप का एग्ज़ाम, सेम क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक ही स्टेट में एक साथ कराया जाए, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। और मुझे लगता है उन्होंने गलती से किया है और वो कर देंगे और 100% करेंगे। अगर आप यूनाइट होकर एक साथ अगर इसके लिए प्रोटेस्ट करते हो तो 100% वो करेंगे, इसमें हंगामा जैसी कोई बात नहीं है। हंगामा कुछ नहीं करना है, उनको बताना है कि भाई ये गलत है, ये आपका जॉब था, आप लोगों ने ठीक से नहीं किया, तो अब इसको रेक्टिफाई कर दो, दैट्स इट। और जो भी ट्विटर है, मैं देखता हूँ कि कौन डेजिग्नेटेड पर्सनालिटी है, उनको हम ट्वीट भी करते हैं, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आपको उसको रीट्वीट कर देना है। उम्मीद है कि ये चीज़ें एक या दो दिन में रेक्टिफाई हो जाएंगी।